दिल की लड़ाई दिमाग से लड़ने का फॉर्मूला कोई जीनियस ही निकाल सकता है, और मेरे साथ एक नहीं इस समय इतने सारे जीनियस हैं, और सबका पहले बार स्वागत है जी। धन्यवाद सर। जो दिल की लड़ाई दिमाग से है, बहुत टफ है फॉर्मूला, लेकिन आप जो पर्दे पे उतार रहे हैं, ये दिल की लड़ाई दिमाग से लड़ने का फॉर्मूला निकाल लिया आखिर आपने? देखिए ऐसा है, दिल की लड़ाई दिमाग से हर आम आदमी लड़ता है, क्योंकि हर आदमी के अंदर दिल है और हर आदमी के अंदर दिमाग है। रोज़ सुबह से शाम तक उसके दिल में कशमकश चलती रहती है कि ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, और दिल कहता है कुछ और दिमाग कहता है कुछ, और दिल के लिए लड़ना है और दिमाग से लड़ना है, ये इस फिल्म की कहानी है। तो दिल के लिए लड़ूँ और दिमाग से कैसे लड़ूँ, यही फार्मूला इस फिल्म में निकालने की कोशिश की है। आपकी डेब्यू फिल्म में आपसे जानना चाहेंगे एज अ लेमैन ऑल्सो कि लड़कियाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, जीनियस होती है दिल की लड़ाई दिमाग से लड़ने में या बॉयज? लड़की मैं बोल देता ठीक है। अगर इन्होंने बोल लिया तो मैं भी अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की ऐसे बोल देती हूँ कि लड़कियाँ हमेशा बेटर रहती हैं हर चीज़ में, और ये मूवी में भी है वैसे, टू बी ऑनेस्ट आपको पता चल जाएगा, ये बस ऐसे ही बोलते रहते हैं कि वो जा रहा जीनियस है, मैं भी जीनियस हूँ। नहीं, ये उत्कर्ष मानना पड़ेगा, नारी शक्ति सब पे भारी, खैर वो तो अलग बात है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि एक जीनियस के लिए व्हाट इज़ जीनियस फॉर यू एक्चुअली, मैं आपसे जानता हूँ जी। जीनियस मेरे लिए वो बंदा है जो सबसे टफ सिचुएशन में भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है और एक ऐसा सोल्यूशन ला सकता है जो किसी और को नहीं दिख रहा था। तो वैसा ही कुछ किरदार भी है मेरा, इनका भी कुछ उसी लाइन पे है कि हम दोनों अगर सोचते हैं तो कुछ टेढ़ा ही सोचते हैं, सीधा आम आदमी जैसा सोचते नहीं। अच्छा बुरा वो सब तो फिल्म में आपको देखने मिलेगा, बट मेरे लिए तो जीनियस की परिभाषा वही है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे टफ परिस्थिति में, वो जीनियस। नाउ विलेन इज अ हीरो एंड हीरो इज अ विलेन, अंतर नहीं रह गए, तो आप कितना उस विलेन को किस तरीके से अब लेते हैं या हीरो को किस तरीके से? बिकॉज मैं हीरो या विलेन के बारे में नहीं सोचता, जो मुझे कैरेक्टर दिया जाता है कि ये, और वो कैरेक्टर जब डायरेक्टर बताते हैं कि इसके ये लेयर्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हैं इसकी, ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो उस पर काम करता हूँ मैं। सर बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जब किसी को लॉन्च करते हैं बेटे को, फॉरेन लोकेशंस पे जाते हैं, लेकिन कमेंडेबल जॉब है, आप इंडिया में बहुत शूट किए इस मूवी को, तो आपने दिखा दिया कि इंडिया में भी ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे शूट किया जा सकता है, इवन हो रही है। अब मैंने 4 महीने में 14 लोकेशंस शूट की थी, और मेरे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ट्रैवल मैंने इस फिल्म में किया, अक्टूबर में किया और दिसंबर में, फरवरी में पिक्चर कंप्लीट की। तो इंडिया में तो लोकेशंस की कोई कमी है ही नहीं, एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी लोकेशंस हैं, तो भारत है, यहाँ तो लोकेशन बढ़िया है ही। आप क्या कहना चाहेंगे, अनिल शर्मा जो सर हैं वो बहुत अच्छे लोकेशंस ढूंढते हैं पहली बात, और स्टारकास्ट भी ऐसे ढूंढते हैं, फैंटास्टिक वाला मामला है, तो क्या कहना चाहेंगे लोकेशंस को लेकर इंडिया की, बिकॉज इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। डेफिनेटली इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड मुझे आई विजिटेड सो मेनी प्लेसेस वाइल शूटिंग दिस फिल्म की एक यू नो इन्होंने मेंशन किया था कि भारत दर्शन हो गया यहाँ पे, एंड आई गॉट टू विजिट अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई। तो मुझे याद है पहले हम लोग मथुरा गए थे और मेरा एक दिन का शूट था, तो वो होने के बाद मैं हर मंदिर जाके आई और मम्मी के साथ मैं हमेशा यहाँ वहाँ जाके आई, तो बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाने। बस भाई ये लुक तो हम आपका देख चुके हैं, लेकिन धोती कुर्ता जो पहना था उसमें कैसा लग रहा था? हल्का हल्का लग रहा था। आपसे जान रहा हूँ सर उत्कर्ष, जब आप मूवी करते हैं, अपने डैड की करते हैं, डेब्यू करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को होती है, पापा की वजह से मूवी मिल गई, लेकिन आपने मेहनत बहुत की, जब लोगों को लगा, अनिल सर से पूछा गया कहाँ है लड़का, गदर सनी देओल का बेटा कहाँ है, तो आप उस समय अपनी स्टडीज़ कर रहे थे, यूएस थे और वापस आना हुआ, तो आप रेडी हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी भी बोली जाएगी, कुछ चीज़ें बुरी, इसको टैकल कैसे कर पाएंगे, बिकॉज जो अनिल सर ने किया ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब जी। अच्छा बुरा तो सब चलता रहेगा, मैं तो यहाँ पर एक्टिंग करने आया हूँ और कुछ नहीं, तो कुछ पाने के लिए कुछ सहना भी पड़ता है, एंड मैं अपने काम से काम मतलब कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो खैर बहुत सारे घर पे अब हर आदमी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक ज़रिया हो गया है, सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, तो हर एक की सुननी चाहिए, बट आपका काम जो है एज एन एक्टर 99% ऑडियंस को प्लीज़ करना है, 1% ऑडियंस आपसे हमेशा कितना भी कोशिश करो डिसप्लीज रहेगी, तो वो 99% को जितना हम प्लीज़ कर सकें उतना बेहतर।
आपने कहा जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था कि पापा के सामने खुलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब खुल गया हूँ और नाउ अब यू आर रेडी फॉर, इसका मतलब ये नहीं कि खुलेआम कुछ भी कर रहा हूँ इनके सामने, ऐसा नहीं है। प्लीज़ एज एन एक्टर जो करना पड़े वो कर सकता हूँ, ज़रूर उसमें भी ऐसे कुछ कुछ ऑकवर्ड मोमेंट आते हैं, बट आपका काम है, आपको निभाना पड़ता है। जो फॉर्मूला इन्होंने बताया नाक और वो वाला जो, वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने क्या, आप कैसे, यू आर कंफर्टेबल विद योर एक्टिंग नाउ? Actually comfortable, I don't know, because I'm still nervous around that, because पहली बार किया है but real life में अभी भी किया नहीं है, तो सिर्फ character के जैसे किया है, एक film में किया है तो। नवाज भाई पर्सनली मैं जब देखता हूँ आप डांस स्टेप्स करते हैं, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि नवाज भाई अब धीरे धीरे कमिंग टू मैचो मैन लुक नाउ एंड रॉक स्टार लुक। थैंक यू यार, आपको अच्छा लगता है ऐसे अच्छा है, और क्या कह सकते हैं, डांसिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। एक स्टेप में किया सर, हाँ बताया सर, एक स्टेप में आप, हाँ नहीं वो किया है मैंने उसमें, बट कॉन्फिडेंस आया उसकी वजह से, वो करने की वजह से। लेट्स सी, देखते हैं आगे अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज तो यू नो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। सर क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, क्योंकि एक्साइटमेंट भी है, नर्वस भी थोड़े होंगे, और ऑडियंस इतना प्यार आपके फादर को देता रहा है और उम्मीद करते आपको भी देगा, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस लवर्स? जैसा आपने कहा वही उम्मीद हम करते हैं कि इस पूरी फिल्म को वो प्यार मिले, क्योंकि सब ने यहाँ पे अपने किरदार अच्छे से निभाए हैं, एंड ये कंप्लीट एंटरटेनर फिल्म है, ऑडियंसिस के लिए बनी है, सिनेमा ऑडियंसिस के लिए बनी है, जो सिनेमा में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फिल्में। साउंड डिज़ाइन इसका कमाल है, रसूल सर ने किया है, टेक्नीशियंस इसमें बहुत अच्छे लाजवाब हैं, एंड तो ये एक फिल्म बनी है सिनेमा में एक्सपीरियंस करने के लिए, तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी सबसे कि आप सब अपने परिवार एंड दोस्तों को ले जाके फिल्म देखिए जीनियस, ये कंप्लीट एंटरटेनर है, एंड इसमें आपको एक्शन, रोमांस, ड्रामा, सस्पेंस सब मिलेगा, एंड नवाज सर की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी, दो जीनियसेस की एक यूनिक लड़ाई मिलेगी जो बाजुओं से नहीं दिमाग से लड़ते हैं। जाते जाते और ना म्यूजिकल नोट अगर इस रैप अप करें हम अपना इंटरव्यू, गाने बहुत अच्छे हैं, जीनियस लोगों को लिया है सर ने, अगेन हिमेश रेशमिया की हम बात करें, जाते जाते और ना म्यूजिकल नोट कुछ हो जाए। हिमेश जी ने हमें बहुत अच्छे गाने दिए हैं, ये जो तेरा फितूर, दिल मेरी ना सुने, होली बिरज में, और अभी हमारा परसों प्यार दे प्यार ले आया, तो बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये गाने लोग इतना ही पसंद कर रहे हैं जितना हम उतना पसंद करते हैं, और अभी भी और गाने बाकी हैं आने के लिए और मूवी में आपको दिखेंगे, और आई एम रियली थैंकफुल हिमेश भैया के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे गाने दिए, एंड आपको ये बहुत थिएटर में भी देख लेंगे, अच्छे लगेंगे, तो प्लीज़ जिन्हें देखिए ऑन 24 अगस्त। नवाज भाई क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही डेब्यू कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, और कैसा रहा सेट पे, एक लास्ट जाते जाते आप? हालांकि पहली फिल्म है दोनों की, बट ऐसा लगता नहीं है कि पहली फिल्म है, ऐसा लगता है कि काफ़ी काम किया हुआ है, और बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं दोनों, और फिल्म और जो केमिस्ट्री है दोनों की वो बहुत ही खूबसूरत है, वो देखने के लिए मिलेगी। स्पेशली मैं तो वही, कल स्क्रीनिंग होगी तो मैं तो वही देखना चाहूँगा। सर जाते जाते नॉट एज अ डायरेक्टर, एज अ फादर क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? डेब्यू के बारे में, उत्कर्ष के बारे में, फिल्म के बारे में। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि बस ईश्वर इन सबको, इनको बहुत आशीर्वाद दे, पब्लिक इनको बहुत सारा प्यार दे, और बस, और इनकी फिल्म पब्लिक देखे, चलाए, और पब्लिक पे जो गाने का फितूर, गाने का जो फितूर चढ़ा है वो फितूर और भी पब्लिक पे चढ़ जाए बस। थैंक यू टॉकिंग टू अस एवरीवन। तो ये थी पूरी फिल्म की स्टारकास्ट। अगर आपको भी दिल की लड़ाई दिमाग से लड़ने का फॉर्मूला चाहिए तो जीनियस 24 तारीख को सिनेमाघरों में आएंगे और वो फॉर्मूला आपको बताएंगे। आप भी जाइए, जिसके साथ जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, बच्चों के साथ, जाइए, मूवी को इंजॉय कीजिए। कैमरामैन जगदीश के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।